और मीनार इसकी शान है। हाजी साहब, मैं काफी दिगर कंट्रियों में गया हूँ, तकरीबन 10 कंट्रियों में घूमा हूँ। जो सुकून, जो इत्मीनान, जो मोहब्बत अपने हिंदुस्तान में है, किसी कंट्री में नहीं है। क्या बात है। तो है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है, नाज है हमको हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, नाज है हमको हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। इससे हम लोगों का रिश्ता मर के भी टूटा नहीं, हम हैं इस मिट्टी की धड़कन, ये हमारी जान है। कैसे सौंप कर मन सबे आदमीयत मुझे, तूने बख्शी है अपनी खिलाफत मुझे, माहौल जमाने के लिए हम पढ़ी थी और अल्लाह की बरकत, उसकी रहमत का साया हम पे हो जाए। अब जिनके सदके में कुल कायनात बनी है, अहमद मुस्तफा सरवर कायनात आपका इनामदार नबी करीम हुज़ूर फरमाओ जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में एक वजीफा पेश कर रहा हूँ। नाते पाक तो आप सुनते ही हैं, ये वजीफा सुने, और मुझे यकीन है कि यहाँ के लोग जितनी अच्छी हम्द सुनी, इंशाल्लाह ये नात सुन के आप साल भर तक याद रखेंगे, क्योंकि इसमें एक वजीफा है। इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। इसको वजीफा कहते हैं, और ये हम ही नहीं, अल्लाह भी करता है अपने फरिश्तों और मलाइकों के साथ। तो एक वजीफा नजर कर रहा हूँ, नाते पाक की शक्ल में मुलायजा फरमाएं। नजर कर रहा हूं, हर आशिक रसूल से मुखातिब हूं। सुभान Ah
दूर कर देना। चार मिसरे नजर करना चाहूंगा यूनुस भाई। मुजफ्फर वारसी साहब कहते हैं, माफ कीजिए, अकबर वारसी, खाते मुल्हम नौजवान कमेटी तवज्जो दे, रफीक भाई, तुम हो वो हुस्न वाले।